हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ध्रुव राठी की जो लेटेस्ट वीडियो है राम मंदिर, तो इसमें जो ये यहाँ पे आप ये पेपर इफेक्ट देख रहे हैं, तो इस टाइप का यदि इफेक्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा जो यहाँ पे इफेक्ट क्रिएट किया गया है, तो ये कैसे आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो सेम इफेक्ट क्रिएट करना मैं आप लोगों को जो है बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो चलिए हम आफ्टर इफेक्ट में चलते हैं और यहाँ पे हम फोटोशॉप एंड आफ्टर इफेक्ट दोनों का यूज़ करके जो है सेम इफेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो सिंपल आपको करना है कि यहाँ पे इस टाइप का जो पेपर है वो आपको यहाँ पे देख लेना है। तो सिंपल आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इस टाइप का जो पेपर है वो आप सर्च करके उसको जो है डायरेक्टली आप वहाँ पे फोटोशॉप में ले जा करके, या फिर आप आफ्टर इफेक्ट में डायरेक्टली ले जा करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेने वाले हैं। तो स्क्रीनशॉट ले करके सिंपल हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे यहाँ पे फोटोशॉप में, और फोटोशॉप में जाने के बाद में यहाँ पे हम एक नया कंपोजिशन जो है यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे हमको वहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब सिंपल आपको करना क्या है कि यहाँ पे पर्टिकुलर जो ये पेपर है तो इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिंपल हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमको इसको रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे। तो रिमूव बैकग्राउंड पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए पेपर का जो यहाँ पे PNG कटआउट यहाँ पे रेडी हो गया है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं इसको हमको पूरा क्लीन करना है। अब वो चीज़ हम कैसे करेंगे, तो सिंपल आपको करना क्या है कि यहाँ पर आप एक सिलेक्शन टूल की हेल्प से आप चाहें तो यहाँ पर इसको डायरेक्टली यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर मैजिक टूल ले लीजिए। अब मैजिक टूल में पे सिंपल आपको क्लिक करना है, देन आपको राइट माउस क्लिक करना है और सिमिलर पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही सिमिलर पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जितना भी जो यहाँ पे टेक्स्ट है वो सारा चीज़ जो है सिलेक्ट हो चुका है, एंड इसके बाद में आपको बाकी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपका सिलेक्टेड हो रही हैं जो, तो उसको डीसेलेक्ट आपको करना है। तो सिंपल आप डीसेलेक्ट कैसे करोगे, तो सिंपल आपको करना क्या है कि यहाँ पे सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करोगे और ऑल्ट बटन को होल्ड करके रखोगे और ये इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे डीसेलेक्ट कर दोगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को जो है यहाँ पे डीसेलेक्ट कर दे रहा हूँ और मैं केवल उन्हीं पार्ट को यहाँ पे सिलेक्टेड रखूँगा जो मुझे यहाँ पे सिलेक्टेड चाहिए। तो सिंपल हमने क्या किया कि यहाँ पे इन सारे पार्ट्स को जो सिलेक्टेड हैं तो इसको हम फिर से क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है सिलेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट मॉडिफाई में जाने के बाद में एक्सपेंड कर देंगे और यहाँ पे सिंपल हम 5 पिक्सल कर देते हैं। देन इसके बाद में आपको शिफ्ट और बैक स्पेस आपको प्रेस करना है, देन इसको यहाँ पे कंटेंट अवेयर का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आपको एंटर कर देना। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे प्रोसेस पूरी हो जाएगी, बट यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे रिमूव नहीं हो रहा है। तो सिंपल आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे जो मास्क क्रिएट किया था, यानी कि जो बैकग्राउंड रिमूव किया था, तो वहाँ से उसमें एक मास्क क्रिएट हो चुका था, तो इस कारण से यहाँ पे आपका मास्क सिलेक्टेड था। तो आपको जो मेन इमेज है वो यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करनी है, देन आपको शिफ्ट और बैक स्पेस प्रेस करना है, देन कंटेंट अवेयर करने के लिए आप ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका पूरा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे पूरा क्लीन हो चुका है, और यहाँ पे आप देखोगे तो सिंपल जो आपका जो ये वाला टेक्स्ट था ये जो सिलेक्ट नहीं था तो उसको आपको डीसेलेक्ट करना है। तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है कि यहाँ पे सिंपल फिर से जाना है आपको, इसमें यहाँ पे सिलेक्शन करना है और यहाँ पे सिमिलर पे क्लिक कर देना। तो ये देखिए मैंने सिमिलर पे ऐसे क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे ये चीज़ सिलेक्ट हो चुकी है। अब सिंपल आप जा करके सिलेक्ट में जाओगे, मॉडिफाई में जा करके एक्सपेंड कर दोगे और यहाँ पर सिंपल आप 3 पिक्सल करके यहाँ पर शिफ्ट बैक स्पेस दबा करके आप इसको यहाँ पर डीसेलेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए आपका डीसेलेक्ट हो चुका है। अब सिंपल आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो पार्ट सिलेक्टेड है, मतलब येलो कलर वाला पार्ट है, इसको सिलेक्ट करना है और सिंपल जाएंगे सिलेक्ट मॉडिफाई एंड एक्सपेंड पे जाना है और यहाँ पे आपको 6 पिक्सल कर देना है और इसको आपको यहाँ पे फिर से डीसेलेक्ट कर देना है। तो ये देखिए आपका जो पार्ट है पूरा का पूरा जो यहाँ पे सही तरीके से जो है यहाँ पे हो चुका है पूरा क्लीन, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको इस तरीके से पूरे पार्ट को क्लीन कर लेना है। अब ये जो इमेज है इस इमेज को आप सेव कर लेंगे, तो सिंपल आपको जो ये इमेज है ये आपको सेव कर लेना है एज अ PNG। तो आपको करना क्या है कि सिंपल फाइल पे जाना है और फाइल पे जाने के बाद में एक्सपोर्ट पे जाएंगे आप और यहाँ पे सेव फ्रॉम वेब पे आपको इसको क्लिक कर देना है। सिंपली आपको यहाँ पे PNG 24 सिलेक्ट कर लेना है, यदि आपको सिलेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे आपको ऐसे क्लिक करके PNG 24 को सिलेक्ट करना है। देन इसके बाद में सेव इमेज पे आकर के आपको यहाँ पे पेपर या फिर जो भी आप नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उस चीज़ को नाम दे करके जो है सेव कर सकते हैं इस फाइल को। तो मैंने डाउनलोड लोकेशन पे जो है आप इस फाइल को सेव कर दिया। देन इसके बाद में आपको आफ्टर इफेक्ट को ओपन कर लेना है। सिंपल हम क्या करेंगे, आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लेंगे और जिस भी मतलब वीडियो के लिए आप जो है एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हो तो उस वीडियो के लिए सेम टाइप से यहाँ पर आपको जो पेपर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और उसके ऊपर जो है
आप एनिमेशन जो है कर सकते हैं। तो सिंपल आगे की जो प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसके पहले हमने जो है यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लिया है, देन इसके बाद में आपको करना क्या है कि यहाँ पे न्यू कंपोजिशन जो है यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया, 10 सेकेंड का जो हमने एक नया कंपोजिशन क्रिएट कर लिया है। देन इसके बाद में हम उस इमेज को जो है यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस इमेज को यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इमेज जो हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अब सिंपल आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो भी टेक्स्ट वगैरह आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो लाइक जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। यहाँ पे सिंपल मैंने जो भी आप डमी टेक्स्ट आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो उसको इंपोर्ट कर दीजिए। जो भी आप यहाँ पे कलर वगैरह चूज़ करना चाहते हैं तो वो कलर आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल हमने यहाँ पे कुछ ये कलर वगैरह जो है इम्पोर्ट ये चूज़ कर लिया कलर, एंड इसका जो ब्लेंडिंग मोड है आप यहाँ से चेंज कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आप जैसे ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड देखने मिल जाते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे चूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया या फिर डार्कन कर दिया, जो भी आपको चूज़ करना है वो आप यहाँ पर चूज़ करके और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है टेक्स्ट पर यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो टेक्स्ट का कलर है डार्क कलर काफ़ी चूज़ किया गया है। तो सिंपल आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो डार्क कलर है वो आप यहाँ पर चूज़ कर लेना है। सिंपल ये देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से डार्क कलर है वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे कोई भी। तो ये इस तरीके से हमने टेक्स्ट का कलर जो है चूज़ कर दिया है, और यहाँ इसकी जो ओपेसिटी है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देंगे। तो समथिंग हमने ओपेसिटी इसकी रखी हुई है 70%। ठीक है, अब आप टेक्स्ट का फॉन्ट वगैरह जो है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं जैसा भी आपको चाहिए हो। तो ये मैं डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपने जो आपका टेक्स्ट है वो यहाँ पर रख दिया है। अब मैं इसकी जगह अपना नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है और यहाँ पे मैं फॉन्ट जो है इसका चेंज कर दे रहा हूँ। तो ये केवल मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अब यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको फॉन्ट जो है यहाँ पे चूज़ कर लिया और ये चीज़ मैंने यहाँ पर रख दी टेक्स्ट। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर इस टेक्स्ट को हमको पेरेंट कर देना है पेपर के साथ में। अब पेपर पे आपको क्या करना है कि यहाँ पर रोटेशन पर आकर के यहाँ पर विगल क्रिएट कर देनी है। यहाँ पर सिंपल ऑल्ट बटन को होल्ड करके रखेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन वाला जो है यहाँ पे लोकेशन दिख जाएगी। यहाँ पे आपको विगल टाइप करनी है, विगल टाइप करने के बाद में आपको ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आपको दो वैल्यू देनी है कि आप कितना जो है इसको रोटेट करना चाहते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से पेपर रोटेट हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए आप यहाँ पर इसका जो वैल्यू है यहाँ पर कम करके जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो रोटेशन है वो बहुत ही स्मूथली जो है आप यहाँ पर रोटेट करा सकते हैं इसको। यदि ये भी आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको यहाँ पर कम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कम कर दिया है। तो ये देखिए हल्का हल्का जो पेपर है वो रोटेट होते रहेगा। अब पीछे के साइड पे आपने देखा यहाँ पे पीछे की साइड पे काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे टेक्सचर वगैरह जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ओल्ड टेक्सचर जो है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो वो आप वीडियो डाउनलोड करके डाल सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो है ऑलरेडी प्रीमेड जो वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे, या फिर खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे चाहते हैं। सिंपल हमने क्या किया कि यहाँ पर यूट्यूब पर जाएंगे और यहाँ पर डस्ट ओवरले सर्च करेंगे हम, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो ओवरले इस तरीके के मिल जाएंगे। तो इस तरीके के आप पीछे ओवरले जो है यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे आपको डस्ट ओवरले देखने मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि ये वाला डस्ट ओवरले, तो यहाँ पर ये मिल गया आपको। तो इस तरीके के काफ़ी सारे जो वीडियो वगैरह हैं वो आपको देखने मिल जाएंगे। तो सिंपल आपको करना क्या है कि जैसे कि मैंने इसको कॉपी कर लिया, अब मैं इस वीडियो को डाउनलोड कर ले रहा हूँ। तो सिंपल मैंने यहाँ पे 4K वीडियो डाउनलोडर से मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड कर ले रहा हूँ। तो सिंपल आपको करना क्या है, किसी भी अलग अलग काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं वहाँ से आप जो है, वेबसाइट हैं काफ़ी सारी, तो वहाँ से आप जो है इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल हमने इसको जो है डाउनलोड कर लिया है। अब इसकी जो लोकेशन है यहाँ पे हम देख लेंगे कहाँ पे है ये डाउनलोड हुआ है, देन इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है इसको इंपोर्ट कर लेना है। तो ये देखिए हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है। अब सिंपल हमें बैकग्राउंड पर डाल देना है, और बैकग्राउंड पर डालने के बाद में इसको थोड़ा हम स्केल कर देंगे ताकि पूरा सेट हो जाए। ये देखें अब ये जो चीज़ें हैं हमारी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी प्रॉपर तरीके से, ये देखें। तो ऐसा आप बहुत अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, और कितना भी टेक्स्ट जो है हमारा टेक्स्ट पूरा जो है पेपर के साथ साथ में रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको कहाँ से करनी है, सिंपल आपने क्या करना है कि टेक्स्ट को पेरेंट कर देना है किससे, पेपर के साथ में। तो टेक्स्ट के साथ साथ, मतलब पेपर के साथ साथ टेक्स्ट भी जो है यहाँ पर रोटेट होगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज यदि आप देखना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए, हम जल्द से जल्द उस टॉपिक में वीडियो लेकर के आएंगे। फ्रेंड्स, मैं मिलूंगा एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी क्रिएटिव।